जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 5 चरणों में पाकिस्तान की ओर से अस्थिरता फैलाने की पूरी कोशिश और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के प्रयास के बावजूद सुरक्षा बलों ने नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया है। गुरुवार को 5वें चरण के मतदान के बाद सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान की शह पर काम कर रहे आतंकी संगठनों में बौखलाहट है। हिंसा को अंजाम देने की उनकी कोशिश बुधवार को भी सुरक्षा बलों ने विफल कर दी थी, जब जैश के एक आतंकी को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गुरुवार को भी छिटपुट प्रयास विफल कर दिए गए। सुरक्षा बलों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केंद्र व राज्य की एजेंसियों के साझा प्रयास से आतंकी संगठनों की सभी योजनाएं विफल साबित हुई हैं। समय पर मिल रही खुफिया सूचनाएं और उस पर समन्वित तरीके त्वरित एक्शन से सुरक्षा बल आतंकियों पर भारी पड़ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि अभी भी आतंकी बड़ी वारदात की ताक में हैं, लेकिन इसके लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से तैयार हैं। गौरतलब है कि 5 चरणों के चुनाव के दौरान लोगों की अच्छी खासी भागीदारी दिख आतंकी खेमों में बौखलाहट है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में बुधवार को सुबह हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। क्रॉस फायरिंग में एक स्थानीय नागरिक भी घायल हो गया था। मारे गए तीनों स्थानीय दहशतगर्द आतंकी संगठन अल बदर से जुड़े हुए थे। मारे गए तीनों आतंकी सुरक्षा बलों पर हमलों और साजिश रचने में शामिल आतंकी समूह का हिस्सा रह चुके हैं। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सूत्रों ने कहा 28 नवंबर से शुरू हुए जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के बाद से ऐसे सभी प्रयास विफल हुए हैं।